सभी बच्चे ध्यान देंगे, सेकंड ग्रेड में जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, हमने ये बताया था आप लोगों को कि किसी भी ग्रुप में किसी अवयव की कोटि किसके मतलब किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। बिल्कुल आपको जीरो लेवल से बातें मैं बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। एक बात बताइए आप लोग कि किसी भी ग्रुप के अंदर तीन बातें आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि कोई ग्रुप होता है तो उस ग्रुप में जो तत्समक अवयव होता है वो भी यूनिक होता है, उस ग्रुप का प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो भी यूनिक होता है, और साथ में आपको पता है ये भी बात कही गई, याद करें कि ए स्टार बी का जो होल इनवर्स है वो भी ऐसे खुलता है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के रूप में खुलता है। क्लियर सी बात है। क्या बोला मैंने आपको कि ग्रुप है तो तीन नियम तीन बातें आपके सामने होगी, पहले तो तत्समक अवयव यूनिक होता है, दूसरा आपके सामने क्या है कि प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम होता है वो यूनिक होता है, और साथ में आपके सामने ये व्युत्क्रमण जो नियम है आपका वो भी सेटिस्फाई होता है। क्लियर सी बात है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ जो आपको समझना है। देखिए और समझिए, बोर्ड पर ध्यान देंगे। जैसे हम बात करें यहां पर, हम बात करेंगे यहां पर साइक्लिक ग्रुप की। पहली डेफिनेशन हम बात करेंगे साइक्लिक ग्रुप, जिसे हम चक्रीय ग्रुप के नाम से जानेंगे। चक्रीय ग्रुप क्या होता है? पहली बात तो आप लोग ध्यान दें कि साइक्लिक ग्रुप ग्रुप होता है वो होता क्या है, इसके बारे में आप ध्यान देंगे। साइक्लिक ग्रुप जो होता है उसको समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा क्या, वो ध्यान दें। साइक्लिक ग्रुप के लिए जैसे एक सीधी सीधी डेफिनेशन ये है कि कोई ग्रुप होता है और उस ग्रुप में कोई कोई एक ऐसा अवयव विद्यमान होता है उस ग्रुप के अंदर जिसकी मतलब जो जिसकी पूर्णांक घात के रूप में प्रत्येक अवयव जनित हो जाता है। जैसे समझने की बात है आप लोगों के सामने और समझने की कोशिश करें, जैसे आपको मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जी बराबर मैंने ले लिया वन ले लिया माइनस वन ले लिया, आयोटा ले लिया माइनस आयोटा ले लिया। अब आप यहाँ पर एक अवयव ले लिया मैंने आयोटा, आयोटा की पावर वन लगाया तो आयोटा, आयोटा की पावर टू लगाया मैंने तो आप जानते हो माइनस वन होता है, आयोटा की पावर क्यूब लगाया तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। आप बताओ ये माइनस वन हो गया तो ये कितना हो गया, माइनस आयोटा। और मैं आयोटा की पावर फोर की बात करूँ तो देखो आयोटा की पावर क्यूब डॉट आयोटा, ये क्या है आपके पास आयोटा क्यूब माइनस आयोटा माइनस आयोटा, और ये कितना आ गया आयोटा, तो कितना आ गया भाई प्लस वन। आप खुद देखो कि प्रत्येक अवयव जनित हो गया आपका इस अवयव की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया, तो बात समझ में आ रही होगी। तो मैंने क्या बोला आपको कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, ऐसा ग्रुप जो मतलब जिसके अंदर एक अवयव ऐसा है जिसकी पूर्णांक घात के रूप में प्रत्येक अवयव क्या हो जाए व्यक्त किया जा सके, तो वो क्या कहलाएगा आपका साइक्लिक कहलाएगा। बातें तो और भी हैं लेकिन पहले नॉर्मली अपन ने जो डेफिनेशन है उसके रिलेटेड अपन ने बात की है। तो सभी बच्चे आप लोग पहले तो परिभाषा लिखेंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज के साथ डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए, माना साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा चक्रीय ग्रुप डाल लीजिए। लिखिए, माना जी, माना जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है। मान लिया हमने कि जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, तो सुनिए ध्यान से, साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखना इस बात को। जी कॉमा स्टार एक ग्रुप है, ध्यान से सुनिए है, तो अब स्टार की जगह जो भी है हम इसके लिए सिंपल ले लेते हैं, स्टार की जगह जो स्टार की जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं ना यहाँ पर, वो हमने डायरेक्टली लिख दिया कि माना जी एक क्या है ग्रुप है, तथा जी में एक अवयव स्मॉल ए इस प्रकार विद्यमान है कि
माना जी एक ग्रुप है तथा जी में एक अवयव स्मॉल ए इस प्रकार विद्यमान है कि जी के प्रत्येक अवयव को है कि जी के प्रत्येक अवयव को ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। मतलब सिंपल सी बात है आप लोगों के सामने होना चाहिए कि जी एक ग्रुप है तथा जी में एक अवयव स्मॉल ए इस प्रकार से विद्यमान हो कि जी के प्रत्येक अवयव को एक ही पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो वो जो आपका व्यक्त किया जा सके तो कैसा होगा, जी जो होगा अर्थात आपके पास जो जी होगा वो होगा ए की पावर एन एंड एन किस में है, जेड में। या फिर ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो इसको जहां ए जी का क्या है, जनक है। तो ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा हो गई। साइक्लिक ग्रुप क्या कहता है आपसे कि यदि कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में एक अवयव ऐसा जरूर विद्यमान है जिसकी पूर्णांक घात के रूप में प्रत्येक अवयव जनित हो जाए उसका, तो वो क्या कहलाता है आपका, चक्रीय ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्रीय ग्रुप कहलाता है, साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। आप देख लीजिए डेफिनेशन आप लोगों के सामने है, एक बार पूरी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे आज साइक्लिक ग्रुप के कंसेप्ट को अच्छे से। देख लीजिए, अब मैंने अभी जो इसके अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल आप डायरेक्टली दे लीजिए पहले, जो आपको पता रहे, बहुत परिचित एग्जाम्पल है आपका, 1-1 आयोटा माइनस आयोटा एंड गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, गुणन संक्रिया के लिए चक्रीय ग्रुप है। और इसके बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया था कि वो साइक्लिक ग्रुप कैसे है, क्योंकि ये जो साइक्लिक ग्रुप है इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि किस तरह से है। तो एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने होना चाहिए, साइक्लिक ग्रुप की परिभाषा आपके सामने होनी चाहिए। अब हम कुछ बात करते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, हमने कोई एग्जाम्पल लिया और उसमें आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मैंने बात की यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया कोई भी, जैसे जी बराबर आपको ले लिया -1 और 1, और इसके लिए बोलू एक परिमित ग्रुप है पहले तो गुणन संक्रिया के लिए कौन सा ग्रुप है भाई, ये परिमित ग्रुप है। मतलब सिंपल सी बात है आप लोगों के सामने कि जो आपका जी दे रखा है 1-1 आपका क्या है, गुणन संक्रिया के लिए क्या है, एक परिमित ग्रुप है। पहले तो देखो ग्रुप है, और दूसरी बात आप लोगों को फाइनाइट ग्रुप क्यों है, मैंने आपको बता दिया था कि फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, ये बात मैंने आपसे कह दी थी, आपको सिद्ध नहीं करना, आपको ग्रुप को देख के बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। मतलब मैंने आपको ये कहा था यदि किसी ग्रुप में अवयवों की संख्या परिमित हो तो परिमित ग्रुप कहलाता है। मतलब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात कि यदि आपके जो ग्रुप है उसके अंदर यदि मान लो अवयवों की संख्या फाइनाइट है तो वो क्या बन जाता है, आपका फाइनाइट ग्रुप बन जाता है। यदि अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप है, तो सामने दिख रहा है वो फाइनाइट ग्रुप है। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, मेरे हिसाब से तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो मेरे हिसाब से हुई है, जरूर थोड़ी आपके हिसाब से हो, तो आपके हिसाब से तो तब होगी जब आप पढ़ोगे, बिगर पढ़े तो हो नहीं सकती, आप भी जानते हो इस चीज़ को। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अब ये साइक्लिक है कि नहीं है इसके बारे में बात करते हैं। मैंने एक बात बोली, यहाँ पर एक अवयव लिया मैंने, जैसे मैंने 1 ले लिया, 1 की पावर 1 लगाया तो 1 आ गया, 1 की पावर कितना भी लगाऊं 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही अवयव हुआ ना, और इसका यदि ऑर्डर निकालो तो कितना आ गया, 1 है। अब एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पर ध्यान दो,
माइनस वन की पावर वन लगाया तो माइनस वन, माइनस वन की पावर टू लगाया तो बताओ वन। आप खुद बता दीजिए मेरे को, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये दोनों के दोनों अवयव इस सेट के हैं कि नहीं है ये बता दीजिए, है ना। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यदि उस सेट के अंदर ऐसा कोई अवयव विद्यमान है जिसकी पूर्णांक घात के रूप में प्रत्येक अवयव को हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सके, तो वो जो अवयव मतलब जो ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। बात तो और भी है, बात तो और क्या है वो सुन लीजिए ध्यान से। चक्रीय की एक और पहचान होती है कि जनक की कोटि, जनक की कोटि बराबर ग्रुप की कोटि, ये भी प्रमेय है जो आप पढ़ोगे। अर्थात कोई भी साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसमें यदि जनक की कोटि और साथ में ग्रुप की कोटि आपस में बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका साइक्लिक बन जाता है। अब बात तो ये आती है कि जनक बनेगा पहले, तो बात मेजर पॉइंट तो यही रह गया आपका। चले तो बताओ, आपको पता है कि जो जी है अब वो क्या हो गया आपका, जी बराबर हो गया माइनस वन, तो ये क्या हो गया, ये एक साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बात बता दीजिए। अब जैसे मैं इसी में एक एग्जांपल और लेता हूं, चलो आप लोगों को समझाने के लिए, जी बराबर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बहुत परिचित एग्जांपल है। गुणन संक्रिया के लिए क्या है, गुणन संक्रिया के लिए परिमित ग्रुप है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ आप पहले तो, है ना। अब एक बात बताओ, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, ये फाइनाइट मतलब इसके अंदर क्या है, ग्रुप है। अब एक ग्रुप तो पहले सिद्ध भी कर चुके हैं आप इसके अंदर, तो बताओ इसके लिए साइक्लिक का दिखे देखेंगे तो पहले देखो वन की पावर वन तो वन आ गया, एक ही अवयव आएगा, इसे भी वन रह गया है। अगले वाले पर बात करता हूं, ओमेगा, ओमेगा की पावर वन ओमेगा, ओमेगा की पावर टू ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की पावर क्यूब क्या मिल गया आपका, बोलो ओमेगा की पावर क्यूब क्या मिल गया, ओमेगा की पावर क्यूब मिल गया वन। बताओ ये पूरे के पूरे अवयव जनित हो गए कि नहीं हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ओमेगा और एक ऐसा ही व्यवहार कौन सो कर सकता है, ओमेगा स्क्वायर की पावर वन ओमेगा स्क्वायर पावर टू कितना गया, ओमेगा फोर है ना, तो ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा क्या मिल गया, ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना, थ्री, थ्री रहा तो देखो आप लोग भी जानते हो थ्री रहा तो छः हो गए नहीं, हाँ पाँच, पाँच हुए ना, तो पाँच हुए तो बताओ ओमेगा फोर डॉट क्या रहेगा आपका, ओमेगा फोर थोड़ा सा देखो इस स्प्रिंट हो गई अपन से, एक एक एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं अपन, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ अभी रुक जाइए, बैठो एक मिनट। देखिए भाई यहां पर हम बात करेंगे ओमेगा स्क्वायर की पावर वन ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा स्क्वायर की पावर फोर कितना आ गया, ओमेगा फोर, ओमेगा फोर को ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा आपके पास जो आता है ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना, क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हुआ, क्यूब का मतलब आ गया आपके पास, नोट करते हैं अपन तो जनरली अपन जैसे इसको अपन बात करें तो ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब की बात करूं तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब की बात करूंगा तो वन आएगा। कैसे आएगा वो आपके सामने होगा, देखो एक बात बताओ आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये भी जनित कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो जी है ना वो एक तो ओमेगा से जनित है और एक किस से जनित है, ओमेगा स्क्वायर से जनित है, व्यक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा बताओ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जी आपका साइक्लिक हो गया,
मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुने कि परिभाषा कंप्लीट तब होती है जब उसके बारे में कंसेप्ट क्लियर होता है। तो परिभाषा हमारे पास क्या देखी गई थी, परिभाषा हमारे पास देखी गई थी देखिए डेफिनेशन हमको क्या देखी गई, पहले तो यहां ध्यान दो, डेफिनेशन ये कहती थी कि साइक्लिक क्या होता है, पहले तो ये बात आई। साइक्लिक का मतलब क्या है, साइक्लिक का मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप होता है वो साइक्लिक तभी कहलाता है यदि वो क्या हो, उसके अंदर एक अवयव ऐसा विद्यमान हो जिसकी पूर्णांक घात के रूप में प्रत्येक अवयव क्या हो, जनरेट मतलब जनित हो सके, समझ में आ रही बात, और जिसकी पावर के रूप में जनित होगा वो उसका क्या कहलाएगा, जनक कहलाएगा। आपके सामने है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल पर चल रहा है। मैंने ये नहीं कहता कि मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में बता रहा हूं, नहीं बता रहा, लेकिन मैं जहां से जीरो लेवल पे जो चीजें हैं वो समझा रहा हूं, जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चन करें तो कम से कम वो चीज में हेल्प मिले। आप ढंग से पढ़ो तो चक्रीय ग्रुप पे ही कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन है, गिनती नहीं है, क्योंकि जैसे आप नेट के अंदर पढ़ते हो या किसी भी एग्जाम के IIT जेम वगैरह की तैयारी करते हो तो बहुत लार्ज स्केल पर जाता है, बहुत क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, तो ऐसा इशू नहीं है। मेन चीज है, मैंने बोला आपको एक ही बात बोली कि बेसिक आपका पहले इन लेक्चरों में क्लियर होगा, उसके बाद जब अगला जो कोर्स आपके लिए आएगा वो आपको क्या करेगा, फिर इसमें मॉडिफाई करेगा, क्योंकि जब बच्चे को पता ही नहीं है और उसके लेकर जाते हैं बड़े लेवल पर तो मतलब ही नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। तो इसलिए ये आपका बेसिक रहेगा जो हमेशा रहेगा, जिससे ये फायदा होगा कि बच्चा बिल्कुल जीरो से जब स्टार्ट कर रहा है तैयारी तो उसे ये दिक्कत ना आए कि भाई कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं आ रही, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो BSc पास आउट हुए हैं तो कईयों ने तो ढंग से भी पढ़ाई की है, कईयों ने ढंग से नहीं की है, तरीके से नहीं की है, कई एक्सरसाइज ऐसे पढ़ी नहीं है, कोई सेलेक्टेड एक्सरसाइज पढ़ता है, कोई कैसे पढ़ता है, तो ये सारी चीजें दिक्कत खड़ी करते हैं। तो ये लेक्चर आपके उन दिक्कतों को दूर करेगा। देखिए भाई, देखिए यहां तक हमने बात की कि साइक्लिक के बारे में, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने और समझाता हूं आप लोगों को। एक मॉड्यूलो का है, मैंने आपको बताया नहीं मॉड्यूलो के लिए अभी, लेकिन बता रहा हूं अभी, समझा रहा हूं। ग्रुप आपको दे दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5 और मॉड्यूलो 6 संक्रियाँ हैं, एक फाइनाइट ग्रुप है, एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है इसके जनक बताइए, किसके जनक क्या होंगे। देखिए सबसे पहली बात तो चक्रीय ग्रुप है, जो भी है हम जनक ज्ञात करेंगे, जनक का तो सीधा फॉर्मेट होता है आपको पता है, जीरो ले लिया, जैसे आपने जीरो की पावर 1 लगाया, ठीक है भाई। आप लोगों ने देखा होगा ये ग्रुप होता है, तो इसके लिए आप लोग चाहो तो एक सारणी बना सकते हो जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन भी करेंगे अपन इस टाइप के। अभी तो मैं छोटी सी बात आपको समझा रहा हूँ, मॉड्यूलो 6 दे रखा है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सुनिए, 0 में 0 जोड़ा है तो 0 ही रहेगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्लियर हो चुका है कि 0 किसका काम कर रहा है। दिमाग में बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में क्लियर हो, पहले तुरंत टॉपिक आते ही तुरंत पता चल जाना चाहिए कि भाई जीरो इफेक्ट नहीं कर रहा है एलिमेंट के साथ, इसका मतलब जीरो किसका काम कर रहा है हमारे पास, जीरो एक तत्समक का काम कर रहा है। एक बात बताइए आप लोग समझो, 1 में 1 ऐड किया तो कितना आया 1, 1 में 2 ऐड किया तो कितना आया, 1 में 1 ऐड किया तो 1, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 1 में 3 ऐड किया तो 4, 1 में 4 ऐड किया तो 5 और 1 में 5 ऐड किया तो 0। ध्यान से सुनो, मॉड्यूलो संक्रिया क्या कहती है, जितने का भी मॉड्यूल है चाहे डॉट में हो चाहे वो प्लस में हो, ध्यान रखें उससे कम आती है तो वैल्यू डायरेक्ट लिख दी जाती है। अभी मैंने बताया नहीं, मैं बता दूंगा, यदि मॉड्यूलो 6 की बात करूं मैं, तो मॉड्यूलो 6 की बात करूं तो 6 या 6 से कम, मतलब 6 से कम आते हैं तो डायरेक्ट लिख दो, 6 या 6 से ज्यादा आता है तो हमको क्या करना है, उसमें 6 का डिवाइड करना है, जो सेसपल आपको बच जाए वो लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो,
देखिए भाई, दो दो और एक कितना हुआ, तीन, दो और दो कितना हुआ, चार, दो और तीन कितना हुआ, पांच, दो और चार कितने हुआ, छह का मतलब जीरो, दो और पांच कितना हुआ, सात, छह का भाग दिया तो कितना आ गया, एक, आगे कि नहीं आ गया बताइए। आगे चलो, तीन और एक चार, तीन और दो पांच, तीन और तीन छह, छह का मतलब जीरो, तीन और चार सात, सात का मतलब दो, तीन और पांच आठ, आठ का मतलब कितना हो गया भाई बताओ, आठ का मतलब पहले देखो, तीन और चार सात, सात का मतलब एक है, एक, क्योंकि तीन और चार सात, छह का डिवाइड किया था एक, तीन और पांच आठ, आठ का मतलब कितने हो गए आप बताओ, छह में दो जोड़ेंगे तो आठ होगा, अर्थात भाग देंगे तो दो बचेगा। इधर आ जाओ, चार एक पांच, चार दो छह का मतलब जीरो, चार तीन सात का मतलब एक, चार चार आठ का मतलब कितना दो, और चार पांच कितने नौ, नौ का मतलब तीन। अब जो बच गया वो लिख दो, यहां पर ये रिपीट हो गया, ये दोबारा देखो, एक जी एक आ गया, एक और एक कितना आ गया दो, दो आएगा ना इसमें, रह गया ना, दो आया ही नहीं। अब बताओ इसमें कौन नहीं आया, जीरो, और ऐसे भी निकाल लो, पांच और एक छह जीरो हो गए, इसमें कौन नहीं आया एक, इसमें कौन नहीं आया दो, इसमें कौन नहीं आया तीन, और इसमें कौन नहीं आया चार, निकाल लो ना, पांच और पांच दस, इसका मतलब चार। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए, ऐसे तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको समझा दूंगा, लेकिन यहां पर यदि क्वेश्चन ले लिया तो हमको पता होना चाहिए किस तरह से हमने बढ़ाया। अब आप देखो, पावर का मतलब हो रहा है एड हो रही है टर्म, तो जीरो तत्समक का काम कर रहा है ना, तो बताओ जीरो की, अपन जीरो की पावर वन लगाएंगे तो जीरो, जीरो की पावर कितनी भी लगाएंगे तो जीरो रहेगा ये, तो ठीक है, तो ये तो जनक है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन, मैंने ले लिया वन, वन की पावर वन लगाया वन आ गया, वन की पावर टू लगाया टू आ गया, वन की पावर थ्री लगाया थ्री आ गया, वन को तीन बार जोड़ना है, वन की पावर फोर लगाया तो चार बार जोड़ो तो चार, और वन की पावर फाइव लगाया तो कितना, वन की पावर फाइव कितना आ गया फाइव, और वन की पावर सिक्स लगाया तो कितना आ गया जीरो। बताओ आप लोग, आप लोग समझ सकते हो इस वन वाले जो कंसेप्ट है उसको आप ढंग से देख लीजिए, वन वाले कंसेप्ट को दिख रहा होगा, प्रत्येक अवयव आ गया इससे, तो पहली तो ये बात क्लियर हो गई। अगला देखिए, यहां ले लिया मैंने टू, टू की पावर वन टू, टू की पावर टू कितना फोर, टू की पावर थ्री, बताओ टू की पावर थ्री क्या है, टू की पावर थ्री दो दो चार दो आठ, सॉरी दो और दो चार दो छः, छः का मतलब जीरो, दो की पावर फोर छः दो आठ, आठ में दो का दिया तो कितना आ गया बोलो, गड़बड़ कर जाते हो ना आप लोग, दो का पावर पहले इसको लिखो, फिर एक एक चीज मेरे को बतानी पड़ेगी इसमें, यहां पर ध्यान दे लो, मैं जब इसमें से दो लूंगा तीन लूंगा चार लूंगा सबके लिए देखूंगा, जिनके लिए ये प्रॉपर्टी सोल हो जाएगी कि उसकी कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर हो जाएगी तो वो जनक हो जाएगा। क्या बोला मैंने यहां पर, ध्यान दो आप लोग सभी, ऑर्डर ऑफ जी कितना है आपके पास, ऑर्डर ऑफ जी है एक दो तीन चार पांच छ। अब जिन जिन अवयवों की ऑर्डर बराबर, जैसे ऑर्डर ऑफ वन बराबर आ गया, इसको जब सोल्व करोगे आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा लंबी हो जाएगी क्लास, नहीं तो यदि आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने जो आएगा, एक तो वन आएगा और एक फाइव आएगा, एक किसकी कोटि आएगी फाइव की, इन सब की कोटि कितनी है छः। तो जिन जिन की कोटि ग्रुप की कोटि के बराबर है ना, या जिनसे प्रत्येक अवयव जनित हो रहा है तो वो जनक है, तो जी के जनक है वन तथा फाइव है, कौन कौन सा है, एक तो वन है और एक क्या है फाइव है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बात बता दीजिए आप लोग कि आपके जो जनक, इसके अंदर जो जनक है वो कितना है, वन तथा फाइव है। तो मैंने आज आपसे बात की साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और इससे रिलेटेड एग्जाम्पलों के बारे में बात की, कई सारे एग्जाम्पल एग्जाम में भी आए हुए हैं,
तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ग्रुप में किस तरह से हम कोटिंग याद करते हैं और किस तरह से हम उसके साइक्लिक ग्रुप होने का पता करते हैं, ये बात ध्यान रखना। यदि सीधे सीधे आपको पता करना है तो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर जिस अवयव के ऑर्डर हो गया वही क्या हो गया उसका जनक, और ऐसे पता करना है तो पावर लगाते जाइए, प्रत्येक अवयव जनित होना जाना चाहिए तो वो ग्रुप के ग्रुप का जनक हो जाए, मतलब चक्रीय ग्रुप का जनक हो गया वो, सिंपल सी बात है ना। अब जैसे इनफाइनाइट ग्रुप की बात करें तो अपन एक प्रमेय पढ़ेंगे उसके बाद भी बात करेंगे और ऐसे भी बात कर सकते हैं, इन जैसे एग्जाम रिजल्ट के रूप में अभी आप लिख सकते हो, बाकी अपन प्रमेय के साथ अपन देखेंगे। आप लोगों ने एक बात देखी होगी साइक्लिक ग्रुप के अंदर, आज अपन साइक्लिक ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ध्यान रखना इस बात को। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, थोड़ा सा स्मरण करो अपने दिमाग पर, जोर डालें इसके अंदर, कि जो कोई चक्रीय ग्रुप का यदि कोई मतलब कोई भी ग्रुप चक्रीय है तो ये बात तो बिल्कुल कॉमन आ गई होगी कि उसके जनक की कोटि और ग्रुप के कोटि आपस में क्या होती है, बराबर होती है। पहली बात तो क्लियर हो गई होगी ना। तो हम कुछ रिजल्ट लिखते हैं और उसके बारे में अपन बात करते हैं साइक्लिक के बारे में। हाँ भाई, सब बच्चे एक काम करें, रिजल्ट लिखें। सबसे पहला रिजल्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके, फर्स्ट रिजल्ट, फर्स्ट नोट डाल के लिख लीजिए, लिखिए एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि, एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है, उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर उसकी कोटि और उसके जो जनक की कोटि है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी थी, अभी क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। और अगला रिजल्ट देखिए, सुनिए अगला रिजल्ट क्या कहता है, सेकेंड वाला पॉइंट क्या कहता है, सेकेंड पॉइंट सुनिए, यदि स्मॉल ए किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है, यदि स्मॉल ए किसी चक्रीय ग्रुप किसी किसका किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है, क्या बोला मैंने, यदि स्मॉल ए किसी चक्रीय ग्रुप का क्या है, जनक है, जनक है तो ए इनवर्स बी जी का जनक होगा, है तो ए इनवर्स बी जी का क्या होगा, जनक होगा। मतलब आपके सामने ये बात तो क्लियर हो गई होगी, यदि कोई साइक्लिक ग्रुप है और साइक्लिक ग्रुप में कोई यदि उसका जनरेटर है तो 100% मतलब उसका जनक है तो 100% उसका प्रतिलोम भी क्या होगा, जनक होगा। अभी एक बात बताइए, अभी जो एग्जांपल आपने पढ़े थे उन एग्जांपलों में ये बात देखी होगी आप लोगों ने कि यदि आयोटा जनक है तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा और आयोटा आप एक दूसरे के प्रतिलोम है, क्योंकि आयोटा को किससे गुणा करें कि 1 आ जाए, माइनस आयोटा से, देख सकते हो आप लोग। अब जैसे मैंने बात की, ये बात भी बिल्कुल ऑथेंटिक हो गई आपके दिमाग में कि यदि ए इसका जनक है तो ए इनवर्स भी जनक है, इसका मतलब जनक तो एक ही रहा और उस जनक का जो प्रतिलोम है वो भी क्या है, उसका जनक हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा रिजल्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे चलते हैं। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, हमेशा याद रखो आबेली होता है, जो साइक्लिक ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, आबेली होता है, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, लेकिन इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि मैंने बोला कि यदि इसका साइक्लिक ग्रुप है तो 100% वो क्या होगा, आबेली होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आबेली ग्रुप चक्रीय हो। समझ में आ रही बात आपको, इसका जब एग्जांपल की बात करूं मैं तो इसका एग्जांपल भी दे सकते हो आप लोग,
एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, सिंपल सा इस लास्ट रिजल्ट की बात करता हूँ मैं, लास्ट रिजल्ट को हम सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। तीसरा इसमें लिख लेता हूँ मैं, चलो एक और रिजल्ट लिख लेता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे। चौथा रिजल्ट सिद्ध, मतलब तो प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं, दो और केवल दो ही जनक होते हैं। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? भाई देखो, आप लोग जानते हो बड़ी बड़ी कोचिंगों में आपको मिलेगा क्या, ये पीडीएफ के रूप में मिल जाती है, नोट्स के रूप में मिल जाता है। आप नोट्स उठा के देखिए, आपको 90% या 99% ही आपको क्या मिलेगा, सीधा उठे हुए ऐसे टॉपिक में लिख रखे हैं उनमें। मैं आपको एक एक लिख रहा हूँ, जिससे आपको बोलने में और सुनने में और देखने में तो याद होगा कुछ, क्योंकि याद ही नहीं हो लिखा हुआ तो बहुत है, कमी नहीं है आपके सामने। तो ये चारों के चारों पॉइंट किससे क्लियर होते हैं, आपके साइक्लिक वाले टॉपिक से क्लियर होते हैं कि यदि साइक्लिक है तो हो हर हाल में क्या होगा, उसकी कोटि और जनक की कोटि आपस में बराबर होगी। दूसरा, यदि उसके जनक की, उसकी जनक एक किसी चक्रीय ग्रुप का जनक है तो उसका प्रतिलोमी जनक होगा। और तीसरा, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आबेली ग्रुप क्या हो, चक्रीय हो। और चौथा, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक, अरे दो ही तो है जनक, आप बताओ भाई, दो ही तो जनक हुए हैं आप लोगों, अपरिमित ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान देंगे अपरिमित चक्रीय ग्रुप की बात की, तो उसमें क्या होते हैं, दो और केवल दो ही जनक होते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं, एक ले लेता हूं मैं ये, अभी रिजल्ट मैं आपसे कह रहा था, एक रिजल्ट को प्रूफ कर लेते हैं हम, कि क्या कह रहा था मैं, तीसरे नंबर पे था मेरे हिसाब से। देखिए तीसरे नंबर पे प्रत्येक चक्रीय ग्रुप एक आबेली होता है। देखिए प्रूफ करता हूं मैं थर्ड रिजल्ट को, सब बच्चे ध्यान देंगे। सर्वप्रथम माना जी एक चक्रीय ग्रुप है, मान लिया मैंने कि जी क्या है, साइक्लिक है। आपको पता है अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि जी क्रम विनिमय होगा, यही तो होगा आबेली का मतलब, यह सिद्ध करना है, सिंपल सा प्रोसेस है ना भाई। अब एक बात बताइए, बोर्ड पर ध्यान देंगे, फोर आल मैंने दो अवयव ले लिए x और y, किसके, g के। आपको पता है, आप समझदार हो इस बात को कि x में प्रत्येक अवयव कैसा होगा एंड y जो है वो कैसा होगा, a की पावर n, एंड फोर आल m और n दोनों के दोनों अवयव किसके होंगे, z के, क्योंकि z साइक्लिक लेके चल रहे हो और साइक्लिक लेके चल रहे हो तो इसमें प्रत्येक अवयव कैसा है, एक ही पावर के रूप में है। तो x और y का जो मान होगा वो इस तरह से होगा। मुझे क्या सिद्ध करना है, ग्रुप तो पहले से ही है ना, हमें तो केवल आबेली ग्रुप सिद्ध करना है, अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए x डॉट y बराबर y डॉट x सिद्ध करना है, तो ये तो a की पावर m हो गया, a की पावर n हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि आधार सेम होता है तो पावरें जुड़ जाती है। अब 2+3 को 3+2 लिख दूं तो क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदार हो आप इस मामले में। तो ए एन प्लस एम, इसको मैंने ओपन करके ऐसे भी लिख दिया, डॉट में आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई ये भाषा, देख लीजिए आप लोग, हो गई ना, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए आ गया कि नहीं आ गया, इसका मतलब सीधा सीधा आपके सामने हो गया। देन फिर क्या हो गया, Z is an, क्या हो गया भाई, आबेलियन ग्रुप हो गया। अब आप जानते हो इसका, अब क्या करेंगे अपन, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, अब करेंगे क्या, अब यहां पर हम बात करेंगे विलोम। अब विलोम में क्या करोगे भाई बताओ, विलोम में क्या लेके चलोगे, दिया है Z क्या है, क्रम विनिमय है, जी क्या दे रखा है,
कम्यूटेटिव दे रखा है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जी कम्यूटेटिव है, अब ये कहता है कि इसका विलोम सत्य नहीं है। हमेशा याद रखें कि जिसका विलोम यदि प्रूफ नहीं होता तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढा जाता है जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, क्योंकि जब तक कोई प्रॉपर्टी के लिए हमेशा उस कंडीशन डोमेन के अंदर बिल्कुल भी वो सेटिस्फाई नहीं होती तब तक सेटिस्फाई नहीं मान सकते हम। एक भी अभियोग के लिए अनसेटिस्फाई है तो हम क्या कहेंगे, अभी संतुष्ट नहीं होती। कई बार आपको समझाया जाता है कि यदि क्लास पूरी हरी हुई है, उस क्लास के अंदर से एक बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं है। अब मैं कहूं आकर के क्लास में, आज तो पूरी क्लास क्या है, यूनिफॉर्म में है, तो उसी में से एक बच्चा बोलता है सर कहां है यूनिफॉर्म में, वो तो विदाउट बैठा हुआ है। इसका मतलब हम वो अभियोग ढूंढेंगे जिसके लिए कंडीशन लागू नहीं होती होगी। ठीक है भाई, तो देखिए भाई एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो आप कि जो क्या हो, जो ऐसा है कि वो क्रम विनिमय तो है लेकिन क्या नहीं है, वो क्या नहीं होगा, मैंने क्या बोला, क्रम विनिमय तो है लेकिन क्या नहीं है, वो साइक्लिक नहीं है। देखो मैट्रिक्स का भी ले सकते हो एग्जाम्पल, और एक ग्रुप का भी आपके सामने है वो भी ले सकते हो, दोनों ही चीज आपकी सही है। अब वो तो डिपेंड करता है कि आप लोगों के सामने आपको कौन सा एग्जाम्पल पता है, अभी बता रहा हूँ, दोनों एग्जाम्पल ही अच्छे हैं। एक ये वाला भी है क्योंकि जिससे मैट्रिक्स अभी सोल्व भी किया आप लोगों ने, जैसे आपको जी दे दिया और जी के अंदर से दे ए है, बी है एंड सी है एंड डी है और मैट्रिक्स गुणन, गुणन के लिए आबेली ग्रुप है, वहर ए क्या है 1001, बी क्या है, मैं मान रख रहा हूँ माइनस आई ले लिया, इन्होंने आई से नाम डिनोट कर दिया, उससे कोई इश्यू नहीं है। बी बराबर क्या है -1001, सी है 100-1 एंड जो डी है वो क्या है -100-1, ये आपके अभियोग दे दिए इन्होंने। बोलो भाई ये देखे, अब आप लोग ध्यान दीजिए ये क्या दे दिया आपको, ये आपको दे दिया एक साइक्लिक ग्रुप दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये चक्रीय एक नहीं है, सॉरी क्या दे दिया आपको, आबेलियन ग्रुप दे दिया, आपको देखना है कि चक्रीय एक नहीं है। चक्रीय का तो एक ही बात होती है, आपको पता है इसमें कोई ना कोई ऐसा अवयव विद्यमान हो जिसका ऑर्डर किसके बराबर आ जाए, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ जाए, या तो, या फिर अपन जानते हैं क्या कि प्रत्येक अवयव जनित हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा इसके अंदर, ध्यान रखना। कैसे नहीं हो पा रहा वो हम अगले वाले एग्जाम्पल के अंदर बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं, मतलब इसी को सोल्व करके देख लेते हैं ना। देखो अपन ने ए ले लिया, ए क्या है 1001, ये इकाई मैट्रिक्स है ना, और आपको पता है इकाई मैट्रिक्स एक की पावर कितनी लगाऊं, एक की पावर वन ही लगानी पड़ेगी मेरे को, तभी क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा ना, तत्समक आ जाएगा। अरे भाई याद करो, भूल गए आप लोग, कोटि जब याद करते हो तो क्या करते हो कि पावर इतनी बार लगाते हो जिससे आइडेंटिटी आ जाए, तो आइडेंटिटी यही तो है मैट्रिक्स की। तो बताइए इसकी कोटि कितनी हो गई, इसकी वो कोटि, इसकी ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया, 1 हो गया कि नहीं हो गया। मैं दूसरी की बात करूं, बी की बात करता हूं, बी क्या था, सब बच्चे देखेंगे भाई बहुत अच्छी बात है, मैं बता रहा हूं बी है -1001। अब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, बी को बी के साथ डॉट करवाया, मतलब बी स्क्वायर लिख दिया, समझ गए होंगे आप लोग, -1001 और डॉट करवा दिया किसके, -1001, गुणा कीजिए, इसका गुणा इसके साथ +1, इसका गुणा इसके साथ 0, फिर 0 1, ये तो आई आ गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ बी कितना आ गया, 2। अब आप चाहे ऑर्डर ऑफ सी निकाल लो वो भी 2 आ रहा है, ऑर्डर ऑफ डी निकाल लो वो भी 2 आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, इसका मतलब साफ ये हो रहा है क्या कि जो जी है वो क्या नहीं है, जी चक्रीय नहीं है। बात समझ में आ गई होगी मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया वो एक बात बताई साइक्लिक के बारे में, और साइक्लिक के बारे में ही एनालिसिस की अपन ने। ठीक है भाई, अब हम बात कर रहे हैं, देखो आप लोगों से मैं एक ही बात की रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें शेयर किए, जो भी तैयारी कर रहा है और जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है पढ़ने दो, क्यों, क्योंकि मेरे से तो ज़्यादा बेटर पढ़ा ही रहे होंगे, क्योंकि आप भी जानते हो कि जो
कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो मेरे से बेटर है, लेकिन मैंने क्या बोला, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, उसको लेकर के, आप लोगों की समस्या को लेकर के मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। समस्या क्या है, बच्चे को जीरो लेवल की नॉलेज नहीं है। अभी आपने देखा होगा जो एग्ज़ाम आपकी हुई है उसमें मिनिमम 40% नंबर नहीं आए हैं। अभी तो वो क्राइटेरिया हटा दिया, लेकिन कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप लोगों को पहले बेसिक पूरा आना ज़रूरी है, ध्यान रखना इस बात को। और आप भी जानते होंगे, यदि मेरे से परिचित होंगे, तो बीएससी ग्रेजुएशन मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप काफ़ी चीज़ें कवर हैं। साथ में ध्यान रखें कि 11 12 से लेकर के बीएससी तक का कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और इसका कोई चार्ज नहीं है, बस केवल आपको लेनी है क्लास, पूरा मिलेगा कंप्लीट आपको यूट्यूब पर। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और कमेंट ज़रूर करें जिससे पता रहे कि मेरे लेक्चर में ये प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चों को ये समस्या आ रही है, बच्चे को इस तरह से और समझा पाते हैं अपन। ये सारी चीज़ें आप कहोगे वैसे वैसे तैयार होती चली जाएगी। ठीक है भाई, और आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और साथ में लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू भाई।